Let's see this question. In this question, we have given x plus y plus z equals to 15. Where अपने को दे रखा है a x y z b ap में है. अगर आप देखो ये नंबर ap में है तो ap की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, मतलब a प्लस बी एक्स प्लस जेड और टू वाई इनका सम क्या होगा, बराबर होगा. मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई. और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड को ए प्लस बी पुट कर सकते हैं और वाई को ए प्लस बी बाई टू. तो ये जो सम है वो आ जाएगा 3/2 ए प्लस बी इज 15. तो a प्लस बी की वैल्यू अपने पास आ गई 10. a प्लस बी की वैल्यू अपने पास कितना भी 10. और आपको क्या बोल रखा है, when a x y z b r n h p, तो 1/x + 1/y + 1/z 5/3. मतलब ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये अलग सिचुएशन है, ये x y z इस पिछले x y z से अलग होंगे. और वो सिचुएशन ऐसी है, मतलब a x y z एंड बी ये एच पी में है, इसका मतलब 1/x, 1/y, 1/z, 1/b ए पी में. अब देखो ये सेम सिचुएशन है, देखो इधर ये नंबर ए पी में थे, इधर इनके रेसिप्रोकल ए पी में, और इनका ही सम दे रखा है 1/x, 1/y, 1/z. तो फिर दोबारा से वही आ जाएगा क्या, 3/2 1/a + 1/b is 1/x + 1/y + 1/z. तो 1/x + 1/y + 1/z 5/3, मतलब 1/a + 1/b, और इसको बोल देंगे 10/9 है. तो इधर से आ जाएगा a plus b by ab equals to 10. a की वैल्यू मिल गई, ab की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, a plus b को पुट कर दिया 10, तो ab की वैल्यू आ गई 9. ए बी की वैल्यू जैसे ही अपने पास 9 आई और ए प्लस बी की वैल्यू मिली, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/a, 1/b, मतलब x² - 1/a + 1/b (x) + 1/a (1/b). तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट ए प्लस बी अपॉन ए बी, मतलब ये आ जाएगा 10/9x + 1/ab, मतलब 1/a, मतलब जो क्वाड्रेटिक है वो बन जाएगी 9x² - 10x+. ये अपने पास क्वाड्रेटिक हो जाएगी, 9x² - 10x+1 = 0. और 9x² - 10x+1 = 0 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में अपने को वो अपने पास आंसर हो जाएगा.